चलिए आरंभ करते हैं। आठवें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि निकृष्ट लोग सिर्फ धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों की चाहत रखते हैं और उत्तम लोग केवल यश की चाहत रखते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों से श्रेष्ठ है। जिस जीवन में मनुष्य को मान सम्मान नहीं मिलता है, वह जीवन धन से भरपूर होने पर भी व्यर्थ है। धन नष्ट हो जाता है, परंतु आदमी का यश उसके मरने के बाद भी अमर रहता है। आगे समझाते हैं कि दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है। यदि मनुष्य गलत तरीकों से कमाए गए धन का अन्न खाता है तो उसकी संतान भी उसी तरह के गलत कर्मों में लग जाएगी, और यदि आदमी ईमानदारी से कमाए गए अन्न को खाता है तो उसकी संतान भी ईमानदार होगी। इसलिए परिश्रम और ईमानदारी से प्राप्त अन्न खाना ही श्रेष्ठ होता है। आगे समझाते हैं कि हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को ही दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर भी कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। दान की महिमा अपरंपार है, परंतु दान उसी को देना चाहिए जो सुपात्र हो। सुपात्र के पास जाने से दान दी गई वस्तु अथवा धन का समुचित उपयोग होगा। दुष्ट के पास जाकर दान की गई वस्तु का उपयोग स्वार्थ से प्रेरित होकर ही हो पाता है। मेघों के पास जाकर समुद्र का खारा पानी भी मीठा हो जाता है और करोड़ों जीवों की प्यास को बुझाता है और फिर से सागर में मिल जाता है। आगे समझाते हैं कि तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अथवा अशुद्ध बना रहता है जब तक कि वह स्नान नहीं कर लेता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इन चीजों के बाद हमेशा सबसे पहले स्नान करें। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि भोजन के अंत में पानी ना पिए, या तो भोजन के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पिए या भोजन समाप्त होने के आधे से एक घंटे के बाद पानी का सेवन करें। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरों के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियाँ पुरुषों के लिए दुखदायी है। यज्ञ ना करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है, बिना भाव के सिद्धि कभी नहीं होती है। इसीलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। भाव के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, अतः सभी कार्यों में आस्था जरूरी होती है। शांति के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच नरक में बहने वाली नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसे सुख देने वाला है। क्रोध आदमी को हमेशा मृत्यु की ओर धकेलता है, लालच अनेक कष्टों को जन्म देता है, विद्या मनोवांछित फल देने वाली है और संतोष से आत्म सुख मिलता है। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। यहाँ भोग से आशय यह है कि धन का उपयोग जब तक सकर्मों के लिए नहीं किया जाता तब तक धन की शोभा नहीं की जा सकती। आगे चाणक्य कहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है और जिस धन का सदुपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि भूमि के भीतर प्रविष्ट हुआ जल ही पवित्र होता है, वर्षा का अधिकांश जल तो बहकर नाले नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। जो जल बचा हुआ है वह कुओं, नदियों और तालाबों में भूमि के स्रोत से आता रहता है। आगे कहते हैं कि लोभ से प्रेरित ब्राह्मण आदर का पात्र नहीं रहता है और महत्वाकांक्षा ना रखने वाला राजा आलसी और अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाता है। संकोच करने वाली वैश्या ग्राहकों को प्रसन्न ना करने के कारण अपना धंधा चौपट कर लेती है और बेशर्म कुलीन स्त्री दूसरों का विषय वासना का शिकार होकर पतित हो जाती है। संसार में विद्वान व्यक्ति की प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं, विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या ही सब जगह पूजा जाता है। जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है वे इस पृथ्वी पर बोझ है, इसी प्रकार जो निरक्षर है वे भी पृथ्वी पर बोझ है। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी हुई रहती है। तो आप जिंदगी में कोशिश करें कि निरक्षर ना बने, अनपढ़ ना बने या फिर पढ़े हुए अनपढ़ ना बने। ये था अध्याय 8। अब हम बढ़ेंगे अध्याय 9 की ओर।
हैं।